हम लोग बात कर रहे हैं अधिकार प्रच्छा के रेट। अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार द्वारा, किस अधिकार से। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी अवैध तरीके से, अवैधानिक तरीके से किसी लोक पद को, सार्वान प्रकृति के लोक पद को हड़प लेता है, या किसी मताधिकार को या किसी स्वाधीनता को हड़प लेता है, तो उस कंडीशंस में, उस स्थिति में इस आधुनिक रिट को जारी किया जाता है। यह एक प्रकार की ऐसी रिट है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को अपदस्थ करने का न्यायिक उपचार प्राप्त है जो व्यक्ति किसी गलत तरीके से, किसी अवैधानिक तरीके से उस पद को धारण किए हुए हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है कि एक योग्य व्यक्ति योग्य पद को धारण करे और लोक पद का वहन करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। किंतु कभी कभी सर्टन चांसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि कोई अवैध तरीके से कोई व्यक्ति सार्वन प्रकृति के लोक पद को धारण कर लेता है, तो वहाँ पर उसे अवैध और अनाधिकृत रूप से जो उसने पद को हासिल किया है, उसे अपदस्थ न्यायालय के माध्यम से इस रिट के द्वारा किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि रिट कब जारी की जाएगी। तो किसी सार्वन लोक पद को धारण किए जाने पर, यानी सबसे पहली और अहम आवश्यकता है कि यदि सार्वन प्रकृति का लोक पद धारण किया हो तभी उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी की जाएगी। किसी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट पद के विरुद्ध इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम इसमें आपको एक लीडिंग केस बताने जा रहे हैं कि जमालपुर आर्य सभा समाज बनाम ढीरा। इस मामले में याचिकादार ने अधिकार प्रच्छा की मांग HSC यानी हाईकोर्ट से की, और यह मांग की कि जो आर्य समाज के प्रतिनिधि में जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनके खिलाफ इस रिट को जारी किया जाए। तो यहाँ पर न्यायविद ने अभिव्यक्त किया कि यह रिट सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशंस में जारी की जा सकती है जबकि कोई सार्वन प्रकृति का लोक पद हो, किसी प्राइवेट पद के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता। आवेदन, जी हाँ, जब कोई रिट पिटीशन फाइल किया जाता है तो उसके लिए एप्लीकेशन यानी आवेदन करना होता है। सो प्रश्न उठता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर एक छूट दी गई है कि अधिकार प्रच्छा के रिट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो उस व्यक्ति के पदस्थ होने से पीड़ित है, या मान लीजिए उसका कोई व्यक्तिगत हित है या उसके साथ कोई पक्षपात हुआ है। ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जनहित में, अटेंशन कीजिएगा, जनहित में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के रिट के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें जैसे कि हम एक आपको लीडिंग केस बताना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम लाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य का जो एक महत्वपूर्ण विवाद रहा, या न्यायविद ने अभिव्यक्त किया कि एक CM ने, एक मुख्यमंत्री ने जो अपना पद धारण किया था वो एक अवैध तरीके से, वो पदस्थ थे अपने पद पर, और साथ ही उन्होंने 6 महीने के भीतर जो विधानसभा की सदस्यता लेनी होती वो भी उन्होंने नहीं ली गई थी। तो यहाँ पर जो दायर उनके खिलाफ की गई थी वो एक याचिका था, एक नागरिक था। बेशक वो यह साबित नहीं कर पाया कि उसका कोई व्यक्तिगत हित है या कोई पक्षपात है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति जनहित में इस रिट का आवेदन कर सकेगा। अब यह रिट जब जारी की जाएगी उसकी शर्तें क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन है सार्वन प्रकृति का लोक पद जब किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा हड़पा जाए। अब प्रश्न उठता है कि सार्वन प्रकृति से मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सार्वन मतलब स्वतंत्र नाम और उपाधि का लोक पद। यदि वो कोई हड़प लेता है अनाधिकृत रूप से तो इसे जारी किया जाएगा। दूसरे कंडीशन है कि उस पद को किसी परिनियम द्वारा अथवा संविधान के किसी उपबंध द्वारा सृष्ट किया गया हो, यानी वो जो पद है वो परिनियम और संविधान के उपबंध के द्वारा सृष्ट। तीसरे कंडीशन आती है इसमें उस पद से संबंधित कर्तव्य सार्वजनिक स्वभाव के हैं, अर्थात जो भी कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है वो सार्वजनिक, यानी जिससे समस्त नागरिक, समस्त जनता प्रभावित होती हो, वैसा वो पद के स्वभाव हो, और उस पद की अवधि स्थायी हो, अर्थात हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए उस पद की अवधि हो, किसी की इच्छानुसार उसे कम या ज़्यादा न किया जा सकता हो। और लास्ट कंडीशन बनती है जिस पद के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस पद को उसने वास्तविक रूप से धारण किया गया। सो गाइस, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।